हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजुडे। इस वीडियो में उत्तराखंड के करंट अफेयर एमसीक्यू पार्ट 2 हम आपके सामने लेके आए हैं। यह आपके लिए ऑल उत्तराखंड एग्जाम यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी होंगी। तो जैसा कि आपका उत्तराखंड एग्जाम अभी आपका फॉरेस्ट का पेपर आया है, तो इसको भी नजर रखते हुए हमने काफी क्वेश्चंस इसमें क्या करें आपके ऐड करे हैं। और आप अगर वीडियो या फिर पीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो काफी बेनिफिट होगा। इन वीडियोस को आप काफी एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इनको एग्जाम पर्पस से जो आपके उत्तराखंड के हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये एमसीक्यूज को हम आपके सामने लेके आए हैं। आप हमारे वीडियोस पे कमेंट जरूर करिए, आपको वीडियो कैसा लगता है और आपको वीडियो कैसा लगा, तो इस कारण से हम अपने जो एक तरीके से कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन है बढ़ाते रहेंगे। इससे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन के द्वारा आपके जितने भी एजुकेशन कह सकते हैं एजुकेशन की जो क्वालिटी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो उस रिस्पॉन्स से आप खुद ही सोचिए, अगर आप वीडियो बनाते तो अगर आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो आपको कैसा फील होता, तो रिस्पॉन्स जरूर करिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर के बारे में हम बात करते हैं। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो अनअकैडमी में आपका ARUJOSHI, तो इस नाम से अरु जोशी नाम से एडुकेटर अनअकैडमी में जुड़े हैं बहुत सारे लोग, उनको काफी फायदा हो रहा है, आप भी जुड़ सकते हैं वहां पर। यहां भी जुड़िए, आपको एची टुडे में काफी फायदा वैसे हो ही रहा है, तो वहां भी अगर आपको उत्तराखंड से डीप स्टडी आपको चाहिए तो वहां आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। पहला, जिसने हमारा वीडियो करंट अफेयर का एमसीक्यू नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए। तो सबसे पहले देश के 10 टॉप जो श्रेष्ठ थाने हैं उसमें उत्तराखंड के 2 थानों को एक तरीके से क्या मिला है, आपका नाम मिला है या फिर आपके दर्ज हुए हैं। पहला है आपका नैनीताल का वन भूलर जिसको 3रा स्थान, और देहरादून का ऋषिकेश, ये आपको 8वां स्थान मिला है, ओके। तो इसको 8वां स्थान मिला है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप स्टार पॉइंट बना सकते हैं। चलिए फिर पहला स्थान कोयम्बटूर के RS पुराम थाने को मिला है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में 2 नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। ये 2 टाइगर रिजर्व है क्या? 2 तो पहले से ही आपके उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व है, तो 2+2=4। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि अभी उत्तराखंड में टोटल या रिसेंटली कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपका आंसर होगा 4। तो 4 अभी टाइगर रिजर्व है। तो 2 नए कौन से बने हैं, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका वर्ग किलोमीटर में आपका 8,448 वर्ग किलोमीटर है, और एक है आपका पूर्वी वन विभाग, मतलब जो पूर्वी वन विभाग होगा उसके अंतर्गत एक आपका सुराई रेंज है जिसमें क्या है एक और टाइगर रिजर्व को खोला गया है, यह है आपका 273 स्क्वायर किलो, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ओके। यहाँ पर हिंदी में लिखा है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, काफी स्टूडेंट को हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जो पहला है नदौर वो है आपका 848 स्क्वायर किलोमीटर, और जो है आपका सुराई रेंज जो आपका पूर्वी वन विभाग के अंतर्गत आता है, मतलब उत्तराखंड के पूर्वी वन विभाग के अंतर्गत आता है, वो है आपका 273। तो 2 टाइगर रिजर्व ये हो गए, और 2 टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है कौन से? पहला आपने सुना होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क सुना है, जिसका स्टेबलाइज हुआ था 1936 में, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यही कॉर्बेट नेशनल पार्क को नवंबर 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और ये पहला टाइगर रिजर्व था इंडिया का, और उत्तराखंड का भी पहला टाइगर रिजर्व है, सेकंड टाइगर रिजर्व। राजाजी नेशनल पार्क सुना होगा, राजाजी नेशनल पार्क बहुत लोगों ने सुना होगा। तो राजाजी नेशनल पार्क को 2015 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, अब 2018 में 2 और बना दिए गए हैं। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि उत्तराखंड में जो टाइगर रिजर्व हैं वो हैं आपके 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। केंद्र द्वारा उत्तराखंड को 3 नए संग्रहालय बनाने के लिए एक तरीके से क्या दी गई है, अनुमति दी गई है। तो ये कौन से 3 नए संग्रहालय होंगे? तो एक होगा आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली संग्रहालय, एक होगा आपका गंगा संग्रहालय, एक होगा आपका नित्य सम्राट संग्रहालय। जो आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है ये है आपका कहां, ये है आपका पौड़ी में, तो ये कहां है आपका पौड़ी में। जो गंगा संग्रहालय है ये है आपका टिहरी में, टिहरी भगीरथी नदी के पास, और जो टिहरी डैम है बहुत चर्चा चुका है, तो इसकी जो हाइट है वो है आपका 270.5, ठीक है, 270.5 है, और ये भगीरथी और भिलंगना नदी, भगीरथी और भिलंगना नदी में बना हुआ है। वैसे तो अगर सिर्फ एक ही नदी आएगी तो भगीरथी ऑप्शन मारेंगे, परंतु अगर क्या होगा भगीरथी भिलंगना ऑप्शन होगा तो आप ऑप्शन यही मारेंगे।
आगे बात करते हैं। नित्य सम्राट जो उदय शंकर संग्रहालय है ये अल्मोड़ा में, कभी भी आप जैसे उदय नाम से संबंधित आएगा तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप अल्मोड़ा के अंतर्गत ही इसको क्या करेंगे, मारेंगे, ठीक है। एक बहुत फेमस है उदय शंकर नित्य अकादमी, बहुत फेमस है उदय शंकर नित्य, ठीक है, अकादमी। तो ये जो है ये आपकी अल्मोड़ा में पड़ती है, तो ये बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब 100 times ये क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट हो चुका है, तो आप इसको ध्यान रखें। उत्तराखंड में कुमाऊं का जो सबसे ऊंचा तिरंगा अभी रिसेंटली आपका 26 जनवरी को, ठीक है, फहराया गया, तो ये कहां फहराया गया, देश को कहां समर्पित किया गया है, आपका उधम सिंह नगर में समर्पित किया गया, और इसकी जो एक तरीके से हाइट थी वो थी आपकी 543 feet। तो 543 feet का ये झंडा था और उत्तराखंड का ये सेकंड हाईएस्ट, तो 543 ये सेकंड हाईएस्ट के आपका झंडा है। पहला आपका 548 feet का था और ये कहां था, ये आपका हरिद्वार में फहराया गया। अगर गढ़वाल का पूछा जाएगा सबसे ऊंचा झंडा तो यही आपका 548 feet, कुमाऊं का सबसे पहला झंडा तो 543 feet, अगर आएगा उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा झंडा है जो फहराया गया, तो 548 आपका हरिद्वार में फहराया गया। तो देखिए आपको क्वेश्चन भी आ चुका है कि उत्तराखंड का प्रदेश का मतलब उत्तराखंड का पहला जो सबसे ऊंचा झंडा है वो कहाँ है, वो हरिद्वार में है, और पहले भी आपको बता चुका हूं कि 548 फीट का, तो इतना है आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है तो यहां क्या है, दुनिया का सबसे छोटा स्तनपाई मिला है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका जलकर्क। उत्तराखंड में नगर निगम जो खुले शौच से मुक्त हुआ है ये कौन है, तो ये है आपका रुद्रपुर। अभी हाल ही में जो नगर निगम है वो है आपके 8, इसमें से आपका ऋषिकेश और कोटद्वार को अभी रिसेंटली जोड़ा गया है। ऋषिकेश आपका देहरादून क्षेत्र में आता है, कोटद्वार आपका पौड़ी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे नगर निगम क्या बनता है, जहां क्या होता है आपकी 50,000 से और 1,00,000 तक, 1,00,000 तक जनसंख्या होती है, ठीक है ना, एक्सीड भी कर सकती है, तो वहां क्या होता है, नगर निगम बन जाता है। वैसे तो 1,00,000 से जितनी भी एक्सीड करती है, 50,000 हम नहीं लेते हैं, ठीक है, 50,000 हम लेते नहीं है, 1,00,000, 1,00,000 से अगर एक्सीड कर जाती है, मतलब 1,00,000 के आसपास, पर्वतीय में 90,000 और 1,00,000 मैदानी एरिया में, इससे एक्सीड कर जाएगी तो उसे हम नगर निगम बना देंगे। उत्तराखंड में गिंदी मेला का आयोजन हुआ है, ये गिंदी मेला कहां लगता है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल में लगा था या फिर लगता वही है और हर साल मनाया जाता है। उत्तराखंड में उत्तराणी मेला का आयोजन कहां हुआ, आयोजन हुआ बागेश्वर में, यह हमेशा 13 से 14 जनवरी को मनाया जाता है। और आप सभी को पता है जो आपका सरयू नदी के किनारे आपका रजिस्टर फाड़ के फेंक दिए थे, जिसको कुली बेगार जो भी था, ओके, जो आपका एक तरीके से क्या खत्म कर दिया गया था, ओके, तो ये सब चीजें क्या है, आपका उत्तराणी मेला उसी साल मनाया गया था आपका 13-14 जनवरी आपका 1930 में। आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राजकीय मेला किसे घोषित किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री कौन है आपका, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये आपके बीजेपी के 5वें मुख्यमंत्री हैं। अगर टोटल मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये आपके 9वें मुख्यमंत्री है। और 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी 2017 को आपका इलेक्शन हुआ था और 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड ग्राउंड में देहरादून में आपके शपथ ग्रहण करी थी, आपसे पूछ सकता है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर होम मिनिस्ट्री पूछा जाएगा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही है, मतलब गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो त्रिवेंद्र के अंतर्गत आता है। तो यह है आपका उत्तराणी मेला जो राजकीय मेला घोषित किया है मुख्यमंत्री ने। यह आपकी डोईवाला सीट से, अगर क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी सीट से, तो डोईवाला सीट से। उत्तराखंड में किसे आइसलैंड इंटरनेशनल अवार्ड बैडमिंटन अवार्ड स्वर्ण पदक दिया गया, तो वो है आपके कुहू गर्ग। हाल ही में स्कीइंग चैंपियनशिप जो उत्तराखंड में होने वाली थी ये टली और कहां होने वाली थी, तो ये होनी थी आपकी औली में। हाल ही में किसको पद्मश्री मिला, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 2 पद्मश्री मिले हैं अभी अब उत्तराखंड में, एक है आपकी बसंती बिष्ट और हाल ही में किसको पद्मश्री मिला, ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने इसलिए लिखा है यहां पर आपके विक्रम चंद्र ठाकुर, और तो आपके बजंती बिष्ट और विक्रम चंद्र ठाकुर इन दोनों को मिला है। ये जो जो आपने सुना होगा पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्ना और जो एक और होता है आपका, तो इन ये सब आपका 1954 में स्टेबलाइज हुए थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो न्यू अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, ये आपसे पूछ सकता है, तो यह है आनंद सिंह नेगी। आप मुझे बताएंगे कि इससे पहले जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे,
लोक सेवा आयोग के, और ये बताएंगे कि सबसे पहला उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे। गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड ने किसको 22 विश्व रिकॉर्ड की मान्यता दी है? तो भेल, पतंजलि, रुड़की, सुजुकी, इनमें से कौन है? तो इसमें से है पतंजलि, बाबा रामदेव के, उससे आपको याद आ ही गया होगा। हाल ही में एक विधेयक उत्तराखंड में पूर्ण रूप से पारित हुआ है, ये विधेयक है कौन सा? ये विधेयक है आपका आधार विधेयक। आप मुझे एक और क्वेश्चन बताएंगे कि जो सबसे पहला आधार है वो कहां से लॉन्च हुआ? ठीक है, एक गांव से लॉन्च हुआ था, चलिए मैं बता देता हूं। चलिए छोड़िए, आप ये मुझे इसका आंसर देंगे। ओके, तो आप मुझे बताइए आधार सबसे पहले कहां से लॉन्च हुआ? उत्तराखंड से कौन राष्ट्र की तरफ से, एक तरीके से क्या है, राष्ट्रीय की तरफ से, ओके, मतलब देश की तरफ से, तो IOA मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक अथॉरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक अथॉरिटी, सॉरी ये आपका एसोसिएशन है। ओके, तो ध्यान दीजिए यहां पर जो राष्ट्र की तरफ से आपका, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ओके, तो इसको लिख लीजिएगा, आपका अथॉरिटी नहीं है, ओके, एसोसिएशन, एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं इंडिया से वो कौन है आपके? वो है आपके राजीव मेहता। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में युवा महोत्सव जो 2017 का उद्घाटन कहां हुआ था? तो यह हुआ था आपका देहरादून में। आगे बात करते हैं, HNB के जो वाइस चांसलर बने हैं उनका जो चुनाव हुआ अभी हाल ही में कौन हुआ? तो वह है आपके डॉक्टर अजय बल्लभ भट्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पर फिर भी हमने मेंशन कर दिया है यूके जो अभी हाल ही में बने हैं, और यूके IEEE से में कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप कहें कि ये क्वेश्चन हमारी जो करंट अफेयर है उसमें नहीं आया था, तो इसीलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, HNBC आप लोग पढ़े हुए हैं तो आपका डॉक्टर अजय बल्लभ भट्ट, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाने का जो नियोजन हुआ है उसका नाम क्या है? मतलब अल्पसंख्यक के लिए एक विद्यालय बनाया गया है, विश्वविद्यालय, तो इसका जो नियोजन हुआ है इसका नाम क्या है? तो आपको यह बताना है, सरदार वल्लभ भाई भगवान सिंह, या भगवान देव, या देव भूमि, या आपका देव काली, तो यह है आपका सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, तो इट इज अ राइट आंसर। ओके, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, कोई क्वेरी है तो आप जरूर उसे बता सकते हैं, आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है जो बहुत गरीब हैं या फिर बहुत दूर दरार के इलाके वाले हैं जो कोचिंग संस्था में नहीं जाते, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, धीरे धीरे हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन आपको इंप्रूव भी करते रहेंगे और आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही एजुकेटर के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।